हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। थग्स ऑफ हिंदुस्तान की तैयारियां हो चुकी है शुरू। बस गाइज, आज से ऑलमोस्ट 3 महीने बाकी है फॉर द ग्रैंड रिलीज, जो कि पहले हफ्ते ऑफ नवंबर रिलीज होगी थग्स ऑफ हिंदुस्तान। कटरीना कैफ हैज ऑफिशियली स्टार्टेड डबिंग फॉर द मूवी। यस दोस्तों, फिल्म की डबिंग शुरू हो चुकी है। अब क्या ये टीजर की डबिंग कर रहे हैं या ट्रेलर की डबिंग, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और अगर ये टीजर की डबिंग है तो गाइज धमाका आने में बहुत कम टाइम है, क्योंकि गाइज जब भी एक डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लेके 3 महीने पहले डबिंग शुरू करवा देता है कैरेक्टर्स की, यानी कि वो टीजर की डबिंग होती है, फिल्म की डबिंग तो चलती रहती है गाइस टिल द रिलीज ऑफ द मूवी। तो गाइस, ठग ऑफ हिंदुस्तान देख सकते हो, कटरीना कैफ ने अभी विजय कृष्णा आचार्य जी की फोटो पोस्ट की है वहां पे डबिंग स्टूडियो में, देख सकते हो वहां पे स्क्रिप्ट लेके वो खड़े हैं यहां पर। और ये है द एक्सक्लूसिव डबिंग स्टूडियो ऑफ यश राज फिल्म्स। अनफॉर्चुनेटली अमिताभ बच्चन फिलहाल नहीं है इंडिया में, ना ही के फातिमा सना शेख। आमिर खान भी आज ही मुंबई से रवाना होते हुए दिखाई दिए हैं। तो अभी फिलहाल सिर्फ कटरीना कैफ इज डबिंग फॉर थग्स ऑफ हिंदुस्तान एट वायरफ स्टूडियो इन मुंबई। और जैसे आप सब लोगों को पता है, भारत की भी शूट ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली वहीं पर चल रही है। आज कोई शूट नहीं है भारत की, क्योंकि सलमान सर इज शूटिंग फॉर द बिग बॉस प्रोमोज। लेट्स सी कल से और क्या क्या धमाके आते हैं थग्स ऑफ हिंदुस्तान से। फिलहाल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि इसके टीजर के लिए और इसके पोस्टर्स के लिए जितने भी ऑडियंसेस है वो बहुत इंतजार कर रही है। स्पेशली आमिर खान के जो फैंस है, दे आर waiting with bated breath for this movie. So guys, खबर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए थग्स ऑफ हिंदुस्तान की और खबरें जानने के लिए। जिम्यावन साड़ी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज सेम, स्टे कूल मैन, थग्स ऑफ हिंदुस्तान।